यार। आपको क्या लगता है मैं ऐसे उठता हूं? मैं कंप्यूटर पर बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। मतलब ये हुआ कि मैं सारा दिन सिर्फ कंप्यूटर ही चलाता हूँ। जी तो ये छोटा सा बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये मैं ही हूँ। इस उम्र में मैंने पोजीशंस लेकर अब्बा अम्मा की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा दी थी। अब्बा ने और अम्मा ने सोचा था कि हमारा बेटा पायलट या कैडेट बनेगा, और फिर मुझे मिल गए कुछ हरामी दोस्त और उनके साथ मिलजुल कर दिन ब दिन तरक्कियों पर तरक्कियां होती रही। तो दोस्तों, ये चेहरा जो आप देख रहे हैं, जो देखने के लायक तो नहीं पर आप देख रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। तो ये चेहरा आप पे से अक्सर लोगों को नया लग रहा होगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। ब्लॉग बनाने का आइडिया तो मेरे जहन में बहुत टाइम से था, पर कुछ बातें रोक लेती थी कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने फिर मैंने सोचा कि लोग तो क्या बात बनाते रहेंगे, बेशक आप कुछ करें ना करें, लोगों ने ज़रूर बातें बनानी है। तो फिर मैं सोचा इन्हें सारिया गल्ला ते पाओ मिट्टी ते निकल जाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए। आ जाओ और यहाँ पर मेरे दोस्त मुनीब को बकरियों से और बकरियों को मेरे कैमरे से प्यार हो गया। ये थोड़ा सा इंट्रो। तो मेरा नाम है हामिद अली और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी की तहसील टैक्सला से है। वैसे बेसिकली तो मैं अब्टाबाद से बिलोंग करता हूँ, बट आई लिव इन टैक्सला। तो दोस्तों, मैं बहुत ही ट्रैवल एडिक्टेड सा बंदा हूँ, आई लाइक ट्रैवलिंग, बट बात आ जाती है खर्चे पर। तो टैक्सला से लेकर अब्टाबाद तक, मानसिरा से लेकर नारान तक, बाबूसर से लेकर गिलगित तक और हंजा से लेकर हुंजरा पास तक, वीज़ा होता तो चाइना भी निकल जाते यार। सवात हो या कश्मीर हो, मुजफ्फराबाद हो या कलाम हो, आपके भाई ने कोई जगह नहीं छोड़ी और इन सब जगहों पर आपका भाई जुगाड़ लगा लगा के गया। तो भाई लोग, एक अच्छे व्लॉग के लिए ना इन चार चीज़ों का होना बहुत लाजमी है। पैसा कमाने पर रहूँ तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दूँ, लेकिन इस दुनिया से खाली आती जाना है तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। नंबर टू, एक अच्छी बाइक या गाड़ी, और नंबर थ्री, एक अच्छी इक्विपमेंट्स, एंड नंबर फोर, कॉन्फिडेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह से आपके भाई के पास इनमें से एक भी चीज़ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं यार, वक्त बदलेगा हमारी किस्मत की काया यार, अपना टाइम भी आएगा, कोई बात नहीं। तासे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इन सब चीज़ों के बगैर भी आपका भाई
पाकिस्तान के सारे नॉर्दर्न एरियाज एक्सप्लोर कर चुका है। तो दोस्तों ये है बच्चियों के सामने वाला हामिद अली। और दोस्तों ये है हामिद अली अपनी असल लाइफ में। ये जो दूर दूर तक आपको ज़मीनें नज़र आ रही है ना, यकीन माने लोगों से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये गेटअप क्यों आप ज़रूर पूछेंगे, बिकॉज आई एम मज़ारे वाल। नाउ इट्स टाइम फॉर सिनेमैटिक शॉट्स। दोस्तों तो ये लोंडा 18 साल का है जो आपके सामने आपको दिख रहा है, और ये एक छोटा सा एफिलिएट मार्केटर है, बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं ले लेना। एक मेन सवाल पर आते हैं आपके, आप ज़रूर ये बात पूछेंगे कि यार तेरा नाम तो हामिद अली है यार, तूने पतासा क्यों रख दिया? चल अबे यार तू हामिद भी तो रख सकता था। तो भाइयों ये पतासे की असल वजह ये है कि मेरी नानों ने मेरा बचपन में नाम रख दिया था पतासा, और वो मेरा एक यूनिक सा नाम बन गया था। अल्लाह उनको खुश रखे, अभी भी ज़िंदा हैं, उनको हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे, हमारी नानों को। उन्होंने मेरा एक यूनिक सा नाम रख दिया था। हर इंसान का लाइफ में एक यूनिक सा नाम होना ज़रूरी है, जो आपके भाई का नाम है पतासा। और रही बात स्टडीज़ की, तो दोस्तों मैं एक FSC का स्टूडेंट हूँ और बहुत मुश्किल से ही FSC तक पहुँचा। पिछली कहानी तो आपने देख ही ली होगी, आपको पता लग चुका होगा मैं कैसे पहुंचा। अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। अच्छा कवर है ना, आप भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स के सामने। पढ़ रहा हूँ ना यार। तो दोस्तों ये थी मेरी अभी तक की कहानी, आगे की लाइफ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है यार आपसे, यार चैनल तो सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगी तो, और यार जब कर कुछ कर ही रहे हो तो कमेंट भी कर दो। और भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कमेंट करना मत भूलना। और यार अगर इंस्टा पर हो तो फॉलो कर दो, ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।